नमस्कार, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर लाइव जुड़ चुके हैं आपके साथ। मैं हूं अखिल गुप्ता, मेरे साथ हैं लक्ष्य शर्मा और मोनू चहल। और जैसा कि हमने कहा था कि इंडियन टीम आसानी से मैच जीत जाएगी, वैसे ही देखने को भी मिला। 8 विकेट से इंडियन टीम ने साउथ अफ्रीका को पहले वनडे में हरा दिया है। हालांकि उसी मुद्दे पे आ रहा था मैं, क्या मुझे क्यों देख रहे हैं। टॉस से पहले बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, 330 350 95 भी लाई है। स्टार्टिंग में तो अंकिता 450 पे पहुंच गई थी, वो तो खैर हमने उनको रोक दिया कि रुक जाओ अंकिता, थोड़ा सबर करो। लेकिन साउथ अफ्रीका ने काफी निराश किया, 116 पर ऑल आउट हुई और उसके बाद यंगिस्तान ने 17वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर ये मैच जीत लिया है। लक्ष्य जी, बिल्कुल एक तरफा मुकाबला एक शानदार तरीके से। जब ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीका की पारी केवल 116 रन पे सिमट गई तो लगा कि साउथ अफ्रीका भी तो थोड़ी बहुत टक्कर देगा ना। लेकिन जो तरीके से है, जिस तरीके से साई सुदर्शन और श्रेयस अय्यर ने खेला, या तो पहला अपना इंटरनेशनल मैच खेल रहा है खिलाड़ी, 55 रन बना गया और इनके तो देखिए हाईएस्ट 33 रन ही है, और जो टॉप के भी दो मान लेना तो बराबर रन है। बॉलिंग ऑलराउंडर, मतलब बल्ला चल गया तो चल गया, वो भी खिलाड़ी का टॉप स्कोरर है। अब सोचिए, और अर्शदीप की आंधी के आगे उड़ गए, मतलब वो कहते हैं ना उड़ना एक छोटा वर्ड है, वो कहीं दूर जाके गिरे, वो गजब की बेइज्जती हुई है। और देखिए मुल्डर पहली गेंद पे आउट हो गए थे, आवेश खान ने इनको आउट किया। तो सबसे पहले आपको पूरा मैच का ब्यौरा दे देते हैं। साउथ अफ्रीका टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी का फैसला करता है, हेंड्रिक 0 रन बिना खाता खोले आउट हो जाते हैं। जॉर्जी अच्छी पारी खेल रहे होते हैं, हालांकि कई शॉट्स बड़े अजीबोगरीब थे, 28 रन बनाते हैं। इसके बाद वेंडर डुसेन खाता नहीं खोलता, पहली गेंद पे आउट, गोल्डन डक। उसके बाद कप्तान एडन मार्करम 21 गेंदे 12 रन, हेनरिच क्लासन, इनको वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा डेथ ओवर में आके क्या तूफानी बल्लेबाजी करते थे, लेकिन आज सिचुएशन अलग थी। आज पारी को बनाना था, सेट करना था। मिलर द किलर भी आए और खराब शॉट खेल के आउट हो गया। अगर देखिए फुलकवायो और मिलर के बीच में अगर थोड़ी सी साझेदारी हो जाती, मिलर वो खराब शॉट नहीं खेलते तो स्कोर 200 के करीब पहुंच सकता था। और अगर 200 स्कोर हो जाता, 180 भी हो जाता, थोड़ा सा हम फाइटिंग स्कोर मान सकते थे कि साउथ अफ्रीका लड़ता, उनके गेंदबाजों को कुछ मिलता। लेकिन वियान मुल्डर वो भी गोल्डन डक पे आउट हुए। तीन खिलाड़ी शून्य पर आउट हो जाते हैं आपकी टीम के, मेजबान टीम के। नहीं देखिए 42 पे तीसरा विकेट गिरता है, 52 पे चौथा, 52 पे पांचवा, 52 पे छठा और 58 पे सातवा, मतलब 10 रन के अंदर ही आपके 5 विकेट गिर जाएंगे तो आप मैच, वो कहते हैं ना लोकल लैंग्वेज में, टिंडा जीतोगे क्या। सही बात है। लेकिन अर्शदीप सिंह प्रभावित किया, लेफ्ट आर्म पेसर है और हम इनकी लगातार आलोचना करते आते हैं। हम जो बात कर रहे थे अखिल की इन्होंने एक भी विकेट नहीं लिया है, 3 मैच में। इन्होंने बाद में बताया कि मेरे दिमाग में था कि इससे पहले मेरे ओडीआई, एक भी ओडीआई विकेट नहीं है मेरे खाते में, और आज 5-5 ले लिए। ये सरदार भी है और असरदार भी है। विकेट लो तो एक ही मैच में 5 लो, वरना फिर जीरो वाली चीज है। लेकिन मोनू के पास भी चलते हैं। मोनू, ये सरदार भी है और असरदार भी है। बिल्कुल असरदार है और ऐसा परफॉर्मेंस आना भी था, इनका ड्यू था कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने जैसे बताया तीनों मैचेस बड़े फीके गए थे, लेकिन आज अच्छी गेंदबाजी की। लेकिन मैं एक चीज और आपसे दोनों से पूछना चाहता हूँ कि यार इस खिलाड़ी के बारे में आप क्या कहेंगे, साई सुदर्शन, एक ऐसा प्लेयर, इंपैक्ट प्लेयर, जिन्होंने आईपीएल में अच्छा किया, डोमेस्टिक सर्किट में अच्छा किया, तमिलनाडु के लिए अच्छा खेलते हैं। अब जब इंडियन टीम में मौका मिला, आज डेब्यू मैच था, 55 बना दिया आज इन्होंने, कितना आपके लिए टैलेंटेड तो है बहुत टैलेंटेड है, तभी इंडियन क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं। लेकिन अभी जज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि स्कोर का प्रेशर नहीं था, 116 रन थे। मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूं उनकी पारी का, लेकिन यही स्कोर अगर 300 रन होते और जब किस तरीके से खेलते, क्योंकि आज कोई दबाव नहीं था, पहले मैच का दबाव था, लेकिन शुरुआत में आपने कुछ गेंद खेली, पहली गेंद पे चौका मिल गया था, दबाव वहीं हो गया था। नहीं नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके लो स्कोरिंग मैच था, 117 बनाने थे, लो स्कोरिंग भी नहीं था, ये आपको पता था जब आप बैटिंग करने आए थे कि ये मैच हम जीते पड़े हैं। बट सर दूसरी तरफ अगर आप देखो, ऋतुराज भी थोड़ा फंस गए थे, 2 बेसिक विकेट थे, थोड़ा गेंद रुक के आया था। अब अय्यर जो है वो हड़बड़ाहट में थे आज, जल्दी जल्दी शॉट्स खेल रहे थे, इनसाइड आउट मारने के चक्कर में कई बार कैचेस ऊपर गई, बट वो सुदर्शन आउट थे, विकेट एरिया में गए, साई सुदर्शन आउट हो गए थे जी, लेकिन साउथ अफ्रीका ने रिव्यू नहीं लिया। लेकिन आप एक दो चीज आप कह सकते हो, लेकिन ये पारी बड़ी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि ये विदाउट एनी, मतलब आप ये डर के खेले थे, बिल्कुल देखो 116 रन पे भी आप डरोगे। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पारी का क्रेडिट नहीं ले रहा, मैं इनकी काबिलियत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन स्कोर बोर्ड का जो प्रेशर है वो नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा सा पारी की अहमियत थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर यहाँ पे 250 का भी टारगेट होता तो शायद साई सुदर्शन का रोल थोड़ा अलग होता, हाँ, तब शायद ये पारी ना आती, क्या पता शतक भी आ जाता।
नहीं है, बट है तो लंबी रेस का घोड़ा, बिल्कुल लंबी रेस के घोड़े। आपने तिलक वर्मा के लिए भी कहा था जब वेस्ट इंडीज में उन्होंने हाफ सेंचुरी लगा दी थी, उसके बाद आया ना, तो हमारे साथ दिक्कत क्या है? आपके साथ नहीं, हमारे साथ मैं बात कर रहा हूँ कि एक मैच के बाद ही हम सुपर स्टार बना देते हैं, अगले मैच के बाद हम बेकार बना देते हैं उनको। लेकिन आपके स्क्रीन पर ऋतुराज गायकवाड़ इस समय, ये खिलाड़ी ना मतलब कंसिस्टेंसी इनके परफॉर्मेंस मुझे सिर्फ आईपीएल में नजर आती है या फिर जब ये महाराष्ट्र के लिए खेलते हैं विजय हजारे ट्रॉफी घरेलू क्रिकेट वहां पे लगातार मनाते हैं, बारिश इंडियन जर्सी में जब ये आते हैं वो कंसिस्टेंसी इनके परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती है। एक आध पारी आएगी फिर तीन चार मैच या पांच छह मैचेस के लिए खामोश हो जाते हैं, दबे दबे से रहते हैं, डरे 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 रहते हैं कि यार रन बनाना है, बाहर निकल जाऊंगा अगर नहीं खिलाएंगे तो। देखिए बाहर निकलना होगा तो आप वैसे भी निकल जाएंगे, अगर आप अच्छे रन बनाएंगे तो ही एक इकलौता ये चांस है कि आप टीम में बने रहेंगे। तो ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर की पारी की भी तारीफ करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ जिस तरीके से आउट हो गए थे उसके बाद हो सकता था कि एक दो विकेट और गिरते, क्योंकि भारत का भी बल्लेबाजी क्रम इतना मजबूत है नहीं, तो अगर ये आउट हो जाते, लेकिन उन्होंने अनुभवी पारी, वो अनुभवी है, खुद भी खेला साथ में साई सुदर्शन को जो बीच बीच में खिला रहे थे, सजेशन दे रहे थे, तो उससे भी बहुत कुछ वो कहता ना इंपैक्ट मिलता है। लेकिन आज के हीरो आवेश खान और अर्शदीप सिंह, इनका क्रेडिट कोई नहीं ले सकता, वो दोनों खिलाड़ी जिसकी मैं और अखिल दोनों ही आलोचना कर रहे थे। बिल्कुल, लेकिन जो भी हो यार एक अच्छी जीत आई टीम इंडिया के लिए और कई सारी चीजें इसमें आपको दिखाई देंगी क्योंकि यहाँ पर कई सारे हीरो हैं। चाहे आप फर्स्ट इनिंग की बात करो कि साउथ अफ्रीका को 116 रन पर, सिर्फ 116 रन पर रोका, उसमें आपकी जो पेस अटैक खासकर अर्शदीप सिंह और मुकेश कुमार बड़ा अच्छा गेंदबाजी की, और उसके बाद जब बैटिंग की बात आई तो वहां पर अय्यर और आपके साई सुदर्शन ने हाफ सेंचुरी लगाई और कहीं ना कहीं टीम इंडिया की उम्मीद जगाई कि अब तो आप वनडे सीरीज जीत सकते हैं। मनु इस मैच के बाद अय्यर टीम के हिस्सा नहीं होंगे वनडे टीम का, तो सेकंड मैच में क्या कमी खलेगी? मतलब जिस तरह की पारी आज खेली है, रिंकू सिंह बनते हैं फिर दूसरे मैच में? बनते हैं, लेकिन आपको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो कंसोलिडेट करे इनिंग को। अब अय्यर ठीक है, अच्छे बैट में फिर बचते हैं, बिल्कुल विकल्प जो आपके पास है वो रिंकू सिंह का ही। देखिए T20 में अच्छा लगता है जो उड़ाकर खेले, बट वनडे में आपको ऐसा बैट्समैन चाहिए जो सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट करे, वो बिल्डअप करे इनिंग को, 70-80 रन बनाने की एबिलिटी अगर किसी खिलाड़ी में तो आई थिंक अय्यर है, या फिर कोई ऐसा बैट्समैन जैसे साई सुदर्शन बहुत अच्छा खेलते हैं, आज भी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से दिखे, वो इंटेंट दिखा उनमें। सो यहाँ पर ऐसे बैट्समैन चाहिए, और आपको हम बता दें कि अभी जो खबर आई है अर्शदीप सिंह शायद मैन ऑफ द मैच आज के चुने गए हैं, वो तो था भी नहीं और कोई, मतलब फिर भी आप साई सुदर्शन समझ रहे थे? नहीं यार, फिर भी अर्शदीप सिंह बताना जरूरी प्लेयर ऑफ द मैच मिलना था। और देखिए टॉप ऑर्डर को जिस तरीके से उन्होंने बिखेरा, रिजा हेंड्रिक्स और टोनी डी जोर्जी इन्होंने बड़ा अच्छा किया, लगातार दो गेंदों पर दो विकेट आए थे, रविंद्र डुसेन को आउट किया, तो सभी बड़े बड़े विकेट इन्होंने लिए, हेंड्रिक्स क्लासन को आउट किया, एक भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो मतलब लोअर ऑर्डर का टॉप फाइव में से पांच विकेटों में से चार विकेट इनके थे टॉप फाइव। जिस टीम के तीन खिलाड़ी टक पर आउट हो जाए ना उस टीम के कंधे अपने आप झुक जाते हैं, बिल्कुल 52/5 हो गया था, तो वहां से तो तकरीबन पता चल गया था कि ये साउथ अफ्रीका शायद हो सकता है 100 के अंदर भी आउट हो जाए, 73 पे आपने 8 कर दिए थे, 100 के अंदर भी अगर आउट हो सकती थी, लेकिन वही ने थोड़ा सा सम्मान बचा लिया कि 100 प्लस स्कोर हो गया। लेकिन एक रजत पाटीदार का भी ऑप्शन रहेगा टीम के पास, क्योंकि वो भी एक मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, मध्य प्रदेश के लिए नंबर 3 नंबर 4 पर खेलते हैं। ये सवाल तो हमारे सीनियर से पूछते हैं लक्ष्य सर से, वो कितना एग्री करेंगे जो अगर अय्यर नहीं खेलेंगे अगले मैच में तो रिंकू या फिर रजत पाटीदार, कौन? देखिए मुझे लगता है कि अभी भी मैं जाऊंगा ऋतुराज, लेकिन अगर ओपन कौन करेगा फिर दिक्कत ये आ जाएगी ना, तो श्रेयस अय्यर की जगह मुझे लगता है कि रजत पाटीदार। अय्यर ओपनर नहीं कर रहे, ओपनर तो आपके ऋतुराज गायकवाड़ और साई सुदर्शन रहेंगे नंबर 3। नहीं मैं खिलाऊंगा रिंकू सिंह को, क्योंकि इस टीम में आपके पास एक फिनिशर की कमी है, आपके पास वो लास्ट में अगर आपको 10 ओवर में 100 रन चाहिए होंगे उस तरीके का कोई भी खिलाड़ी नहीं है। संजू सैमसन है बट उनकी निरंतरता क्या उस तरीके से रहेगी ये भी नहीं पता, तो और श्रेयस अय्यर ने यह रन बनाए हैं, लेकिन तिलक वर्मा नंबर 3 पे खेल सकते हैं, नंबर 4 पर आ सकते हैं केएल राहुल, नंबर 5 पे संजू सैमसन, और नंबर 6 जो कि T20 में रिंकू सिंह का है स्थान, वो यहाँ पे मिल सकता है। बिल्कुल, कि मुझे लगता है कि शायद रजत पाटीदार के साथ जाएंगे अय्यर की जगह पर, क्योंकि राइट हैंड बैट्समैन है अय्यर भी, राइट हैंड बैट्समैन है पाटीदार भी, राइट हैंड बैट्समैन है, तो मुझे लग रहा है कि उनके साथ ये टीम जाएगी। और अर्शदीप सिंह, उन्होंने क्या बोला है, बेसिकली उन्होंने बोला कि ये थोड़ा सा डिफरेंट विकेट था, लेकिन मैं भगवान का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि और टीम मैनेजमेंट है खास करके, उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ इस वक्त। और राहुल की तारीफ की कैप्टन की, उन्होंने कैप्टन भाई ने मुझे कहा था कि आप कम बैक करोगे और अच्छा कम बैक करोगे, तो अभी इस मोमेंट को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। वीडियो भी वायरल काफी हो रहा है, एक
टीम बस में सूर्य कुमार यादव अर्शदीप पे काफी भड़के हुए नजर आ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, शायद उसी का ही असर भी है। सर पता नहीं यार, देखो आप उस चीज में वो वीडियो जरूर आई थी, लेकिन उस वीडियो के भी यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि अर्शदीप के ऊपर पॉइंट आउट किया गया था, क्योंकि उसमें सारे टीम मेंबर्स थे। अब ये नहीं पता किस बात के ऊपर किया गया था। अर्शदीप एक मैच में अर्शदीप बड़े महंगे साबित हुए थे, दो ओवर में 31 रन दे दिए थे उन्होंने। हो सकता है बस में गुस्सा क्यों करेंगे, परफॉर्मेंस को लेकर नहीं होगा वो, कुछ आपस का कुछ आपस का ही होगा, लेकिन आज आप उंगली नहीं उठा सकते इस खिलाड़ी के ऊपर। आज देखिए 5 विकेट छटके हैं और 5 विकेट लेना साउथ में कंडीशंस में, मैं भारतीय जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्हीं के घर में 5 लिया है। बिल्कुल यार बहुत मुश्किल होता है, चाहे न्यूजीलैंड हो या फिर इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका, इन कंडीशंस में जाकर कोई भी जब आपका रिसेंट परफॉर्मेंस इतना खराब रहा हो, खराब रहा हो, क्रिकेट में लगातार इकोनॉमी निकल रहे हैं 8-9 से ऊपर, क्या की इकोनॉमी रही, विकेट आपको मिल नहीं रहे, डेथ ओवर के नाम पे इनके ऊपर एक ठप्पा लग गया था कि सबसे खराब बॉलर है, उसके बावजूद आज इस तरीके का परफॉर्मेंस किया। एक नई टीम बिल्डअप हो रही है वर्ल्ड कप के बाद, हम देख रहे हैं पूरी टीम यंग है और यंग स्थान पे दाव है, इन्हीं के ऊपर दाव रहेगा कि अगला T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, ऐसे में लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा। बिल्कुल T20 देखिए, अगर मैं आपसे वैसे ही पूछता हूँ कि अगर वो मैच हो जाता, बारिश की वजह से नहीं हो पाया जो मैच, तो आपको लगता है कि T20 सीरीज इंडिया जीत सकता था? बिल्कुल जीत सकता था। और अब वनडे की बारी है, तो वनडे में भी टीम इंडिया ने वो दिखाया है, दमखम दिखाया आपने, अपने बैटिंग में अच्छा किया, अपने बॉलिंग में अच्छा किया। आप 117 में आपने ऐसा नहीं कि 4 विकेट आउट हो गए, 5 विकेट, सिर्फ 2 विकेट आउट हुए, 8 विकेट से आप जीते, इम्फैटिक विन है, बहुत ही इजी विन है, इजी विन है। तो उम्मीद करते हैं कि सीरीज 3-0 से लगता है, 2-1 से लगता है, या फिर इंडिया शायद 2-1। आपको सर ऐसा लगता है या कमबैक करेगा साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका 2-1, साउथ अफ्रीका जीतेगा। ये देखिए बड़ी स्टेटमेंट आई है, इसीलिए तो वो लक्ष्य शर्मा है सर। देखिए लेकिन मेरा तो ये मानना है कि 2-1 से इंडिया जीत जाएगा, मुझे भी 2-1 लगता है इंडिया जीत जाएगा। एक मैच आप कहां फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, पिछला ही मैच, अगला ही मैच मुझे लग रहा है कि शायद अफ्रीकन टीम कमबैक करेगी, स्ट्रांग कमबैक करेगी। तो सेंट जॉर्ज पार्क में वो मुकाबला होगा और वहीं पे T20 मैच खेला गया था जहां पर इंडिया हार गया था अफ्रीका से, बिल्कुल हार गया था। लेकिन फिर भी आज के पॉजिटिव्स अगर आप देखेंगे इस जीत में, कौन कौन ऐसे रहे हैं जो आपको लगता है सबसे बड़े पॉजिटिव इंडिया के लिए? आवेश खान, अर्शदीप की हमने जी भरकर तारीफ की, उसके बाद आवेश खान, इनके खाते में 4 विकेट आए, बैटिंग में भी साई सुदर्शन और श्रेयस अय्यर की हाफ सेंचुरीज आई है, तो 4 बड़े पॉजिटिव है। लेकिन थोड़ा बहुत अगर मैं कहूंगा कि मैं खुद चाहता हूं पर्सनली कि यार यूजी चहल इस टीम में आए, लेकिन वो कैसे आए ये बड़ा दिक्कत रहेगी। अब जब चहल, मैं ये चाहता हूं कि आप ना एक ऐसा कर सकते कि अक्षर की जगह अब चहल को डाल दो, आपके पास एक बैटिंग कम हो जाएगी, मोनू बैटिंग कम होगी, वो अक्षर इसलिए खिला रहे हो क्योंकि आपके पास जडेजा नहीं है। लेकिन आप एक चीज बताओ आप दोनों को सर, हां जी, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, आप साउथ अफ्रीका में तभी जीत सकते हैं जब आप विकेट निकालोगे उनकी, आप रन रोक के मैच जीत सकते हैं। तो ये तो कहीं भी खेल लो क्रिकेट, विकेट तो निकालना ही पड़ेगा। तो मैं यही कहना, पटेल अच्छी गेंदबाज नहीं है क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ना तीन पेसर्स विद तीनों स्पिनर को आप खिला सकते हैं, ऐसा मेरा ये मानना है कि आप 6-5 कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। कैसे खिलाओगे? बैटिंग 11 क्या बनाओगे बताओ ना। मैं ये चाहता हूँ कि आप यूजी, अक्षर एंड कुलदीप तीनों को मौका दे दो। यार अफ्रीका में खेल रहे हो आप, इंडिया में नहीं खेल रहे हो। आज 9 विकेट लिए तेज गेंदबाजों ने और आप खिलाना चाह रहे हो यूजी चहल को, विकेट देखना पड़ेगा ना अगला मैच आपका। आपने विकेट का नाम ही आपने लिया है और साउथ अफ्रीका में 3 स्पिनर आपने कब खेलते हुए देखे? नहीं, सेंट जॉर्ज पार्क में है मोनू, पार्क वो तो में है, उछाल भरी विकेट है, पेस एंड बाउंस दोनों चीजें हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप ना कैसे भी यूजी तेज कर लेंगे, विकेट से निकाले आप, हो सकता है विकेट्स निकालें आप साउथ अफ्रीका के। मैं ये चाहना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत खेल लेंगे, बिल्कुल बड़ी बात। एक बार बताओ, 116 रन में समेट दिया और कितने विकेट लें? आलोचक होते हैं ना वो, बस कमी निकालते हैं। अरे कमी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगले मैच दिखाइए, अब सामने दिखाइए आप, आप देखिए मेरा सिर्फ ये है, मोनू चहल साउथ अफ्रीका को भारतीय तेज गेंदबाजों ने 116 रन पे समेट दिया। सर कह रहे हैं कि आपको विकेट और लेने पड़ेंगे, और कितने लेने पड़ेंगे? और वो यूजी चहल ही लेंगे? आपने शायद आप दोनों ने मेरी बात सुनी नहीं। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 116 पे हो गया, ये बार बार नहीं होगा, पहली चीज। तो यूजी आ जाएंगे, तो मैं ये सिर्फ ये हो जाएगा, मैं ये चाहता हूँ कि जो कुलचा की जोड़ी बड़ी फेमस थी उस समय थी, सो मैं चाहता हूँ एक बार फिर से कुलचा क्रिएट किया जाए। अब रिजल्ट जो भी हो वो मैटर नहीं करता, बट आई थिंक अगर दोनों स्पिनर गेंद एक टीम में फेमस की जोड़ी तो सचिन और सहवाग की भी, उनको ले आओ, वैसे तो आप किसी को भी, बट अब आपकी स्क्वाड में है ना सर, तो अगर आप भी, आपने मौका नहीं दिया तो कब दोगे? जगह बननी भी तो चाहिए क्या? आप किसको बाहर करोगे? मुकेश कुमार को आज मैं साबित हुए आप बाहर कर सकते, आप
तो यूज ही आएंगे तो कोई तो बाहर जाएगा। तो वही तो करो, अय्यर बाहर जा रहे हैं ना, अय्यर नहीं खेलेंगे ना अगला मैच, तो आप एक बैट्समैन बैटिंग पहले ही निचली है, नीचे गई हुई है। अरे यार जब आपकी बैटिंग ने दमखम दिखाया है, आज आप 8 विकेट से जीते हो। अरे भाई सामने 116 थे, दमखम क्या, गेंदबाजों ने दमखम दिखाया है तो फिर क्या मान के चलेंगे कि इंडिया पहले 2 मैच जीते तब जाके क्रिएट होंगे चांसेस। कुलदीप आएंगे तो कुलदीप की जगह आएंगे, वरना नहीं आएंगे। जो क्रिकेट नहीं जान देखता होगा ना वो भी यही बात कहेगा कि अगर 2 मैच इंडिया जीत गए तो चहल को खिलाओ। तो जो मोनू कह रहा है कि श्रेयस अय्यर की जगह यूजी को लाओ, इस पे आप अपना कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगता है। मेरे को, मैं ये वो कहता है ना, एक तो रिजेक्ट करना होता है, मैं बर्खास्त कर रहा हूँ, दूर फेंक रहा हूँ ये आइडिया, ये हाथ में उठाया और ये वो गिरा। भाई देखो सिंपल सी बात ये है कि यार यूजी चहल मतलब पहले तिलक वर्मा को खिलाने के लिए किसी भी हद तक चले गए थे, अब खेले ना खिलाने के लिए। तिलक वर्मा खेले ना, आपकी टीम मैनेजमेंट क्या करती है? आप मुझे एक चीज, खेले इससे पहले एक मैच खेला था वनडे मैच, 5 रन बनाए, 15 T20 मैच खेल चुके हैं जिसमें 310 रन बनाए, और इसमें से भी ज्यादातर रन वेस्ट इंडीज दौरे के थे, जिसके बिना पर आप बार बार कह रहे थे खिलाओ खिलाओ खिलाओ, पर ये भी 2 गोल्डन डक है। देखिए यार मेरा तो ये मानना, देखो दोस्तों कि सब जो फेल हो रहा है उसको ज्यादा खिलाओ, नहीं जिसको मौका दिया गया है आप उसको मौका भी दो। अब आपने वाइस कैप्टन बना दिया ऑस्ट्रेलिया में अय्यर को, आपने अफ्रीका में खिलाया नहीं, ठीक है वाइस कैप्टन को नहीं खिलाया, अपनी टीम मैनेजमेंट है ना, अय्यर को कहां नहीं खिलाया, T20 सीरीज में नहीं खिलाया ना साउथ अफ्रीका में, तो रेस्ट भी तो होता है कोई चीज। अब रेस्ट पे आ गए यार, तो आप कैसे भी करके, मैं यही कहना चाहता हूं। अच्छा एक बात बताओ, दुबे आए अय्यर क्यों नहीं खेल रहे, अय्यर क्यों नहीं खेल रहे अगले दोनों वनडे मैच बताओ क्या? तो वो तो रेस्ट चाहते हैं ना, टेस्ट की तैयारी के लिए कर रहे हैं भाई। तो टेस्ट में तो आपके विराट और वो भी हैं, हाँ तो ठीक है, टेस्ट में तो अच्छा, कोई मौका नहीं होता, जवाब नहीं होता तो ठीक है, जवाब नहीं है, मैं सिर्फ आप मेरे को ये बताओ यूजी को किसकी जगह लाओगे? अय्यर फिर बैटिंग नंबर 3 पे वो आएंगे, यूजी आएंगे और किसी को लाओगे? अभी भी ये मानता हूँ कि आपके जगह टॉप 5 कुछ नहीं कर पाए तो छठा भी कुछ नहीं करेगा, चाहे आप लिख के ले लो। तो फिर तो आप नंबर 3, वो एक टाइम था कि धवन रोहित तो विराट रन बना रहे थे, नीचे कुछ कर नहीं रहे, उसके बाद नीचे बॉलर ले आते। आप ये भी कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, जैसे अभी आपने कहा था कि आप कुलदीप को थोड़ा रेस्ट दे सकते हैं एक मैच के लिए, मैं सिर्फ एक मैच तो खेला है, मैं ये देखना चाहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि यूजी चल बिना खेले आ जाए वापस, हो सकता है इन्हीं मैच क्या पता कुलदीप अच्छा खेल रहे तो वो बाहर, उनको किस बिना पर बाहर करोगे? वही तो, फिर वो गलत नहीं होगा। अगर आपको लगता है यार शिवम दुबे का आप ले गए लेकिन आपने खिलाया नहीं यार, तो आपको कैसे जब जगह नहीं बन रही तो स्क्वाड क्या होता है? प्लेइंग 11 नहीं भेजते हैं हम, स्क्वाड भेजते हैं, वो 15 लोगों का स्क्वाड होता है जिसको हम भेजते हैं, हम प्लेइंग 11 भेजते हैं ऐसे फिक्स करके, ये 11 खेलेंगे 15 नहीं खेलेंगे, वही तो चीज है ना, फिर आप फंसते हो, फिर कहते हो हमारे पास ऐसे। तो ईश्वर पांडे का नाम सुना है आपने? वो 3 साल भारतीय टीम के साथ उन्होंने ट्रेवल किया लेकिन आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका डेब्यू नहीं हुआ, रिटायर तक हो गए, वो तो पागल है फिर स्क्वाड में जा रहे तो नहीं कंपलसरी है ना फिर, तो ये तो कानून बना दो आप, जो भी है लेकिन यार जो भी है मिलने हमारा तो यश सिंह को ले लीजिए, हमारे इतने बड़े गेंदबाज रहे राजस्थान के, इंग्लैंड टूर जब उनका डेब्यू हुआ था, लीडिंग दिग्गजों में उनका नाम कहना जाता है, अभी भी जब उनका डेब्यू हुआ था उनके डेब्यू के 4 या 5 कैच छूटे, आज उनके नाम भी रिकॉर्ड होता डेब्यू पे 7 विकेट लेने का। देखो यार छोड़ा था, ठीक है आप दोनों सीनियर से खेलने की कोशिश करते हो लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर जिस बंदे को आप लेके गए हो आप उसको मौका दीजिए, बस मेरा ये मानना है। फिर तो आकाशदीप को भी मौका दो, फिर तो वॉशिंगटन सुंदर को भी मौका दो, यूजी को ही क्यों दो? यूजी को अक्षर पटेल जाएंगे तो वॉशिंगटन सुंदर आएंगे, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो जाएगा इसके, कि आप तो आप मौका दो ना, मैं भी चाहता हूँ मौका दो ना भाई, आप यूजी को ही क्यों दो, मैं ये चाह रहा हूँ क्योंकि यूजी ने अच्छा किया, चहल है अच्छा किया, आप भी चहल हो वो भी चहल है इसलिए मौका दो। तो मैंने तो वो शिवम दुबे के लिए बोला था, ऐसा था नहीं कि मैं सिर्फ चहल के लिए बोला, सुंदर को क्यों ना दें? किसको? वॉशिंगटन सुंदर तो ठीक है, अक्षर पटेल को बाहर कर दिया लेकिन हम तो वॉशिंगटन सुंदर को लाएंगे, बताओ तो ले आओ ना, मैं कोई यूजी का खेलेंगे, मैं टीम चुनने वाला नहीं हूँ, मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आप दोनों मैच जीतोगे तब भी अगर यूजी को मौका नहीं मिला तो ये जस्टिफाई होगा या नहीं होगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। ऐसे तो आप ये भी लगा सकते थे कि उनको T20 टीम में क्यों नहीं चुना, तो वही तो सवाल है की चीजें, तो ये तो टीम मैनेजमेंट करता है ना आपका। 2021 में आपने वरुण चक्रवर्ती लिया, चाहल को आपने बाहर कर दिया, जब 2023 वर्ल्ड कप आया तब आपने चाहल को बाहर कर दिया, और अब T20 वर्ल्ड कप आने वाला है तो आपने T20 से यूजी चाहल को बाहर कर दिया, वनडे में खिला लिया, कोई तो रीजन होगा, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है ना, कोई तो रीजन होगा ना, क्या पता चहल की बैक कैमरा कुछ और चल रहा हो, क्या चल रहा बता दीजिए आप, जो भी चल रहा है ताकि क्लैरिटी दीजिए, जो भी चल रहा है चल रहा है, जो भी चल रहा है चल रहा है, बस इतना बता जो हमें बताइए ना, जो जो क्या भाई क्या वो परफॉर्मेंस नहीं करते,
अच्छा परफॉर्म नहीं करते, विजय हजारे में तो उन्होंने धजियां उड़ाई अभी, पृथ्वी शो के अच्छा प्रदर्शन नहीं करते, सरफराज खान के अच्छा प्रदर्शन नहीं करते, सरफराज का मैं मानता हूँ पृथ्वी का तो इनकंसिस्टेंट है, वो एक मैच में अच्छा बनाया, अभी दोहरा शतक लगा के आए हैं काउंटी में, वही तो मैं कह रहा हूँ दोहरा लगाया है लेकिन फिर आके दिक्कत होती है, बट यूजी चहल साहब कंसिस्टेंट कर रहे हैं, किसी आईपीएल में भी उन्होंने अच्छा किया था और कोई बुरा नहीं किया था उन्होंने वनडे में भी इंडिया के लिए, बुरा टी20 में बुरा नहीं किया था, सरफराज ने भी बुरा नहीं किया, बात पृथ्वी शो ने भी बुरा नहीं किया, इस हिसाब से तो आपको अमोल मजुमदार को लगातार टेस्ट क्रिकेट खिलाते रहना चाहिए था, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों की बारिश कर रखी है, वसीम जाफर ने क्यों 32 टेस्ट मैच खेले हैं फिर, चलो ठीक है यार, देखिए जो भी हमारी डिबेट हुई है दोस्तों मजा बहुत आया होगा, लेकिन हम यही चाहते हैं कि मजा आया होगा, लोग कह रहे होंगे कि यूजी को कहां, ये भी सोच रहे होंगे फिट कहां करें, तो आज कमेंट एक आइडिया, अच्छा एक आइडिया देता हूं, आईसीसी को लेटर लिखो, हम इंडियंस हैं, हम दिल से सोचते हैं 12 खिलाड़ी खेलने का, एक चीज बताऊं, ये इंपैक्ट सर ले आओ, सर मैंने इसलिए मुद्दा उठाया था, एक चीज बताऊं आपको, टू बी ऑनेस्ट, हमने कल एक डिबेट किया था और उसमें कोई लोगों ने पूछा था कि चाहल क्यों नहीं इस टीम में, और जब टी20 वर्ल्ड कप आया था आपने देखा होगा, इनफैक्ट जो टी20 के मैचेस आए थे साउथ अफ्रीका अगेंस्ट, तब भी उन्होंने कहा था कि यूजी चहल इस टीम में क्यों नहीं है, जब वर्ल्ड कप 2023 तब भी लोगों ने पूछा था, तो इसलिए मैंने लोगों की राय नहीं बन रही, तो लोगों के सवाल लिए थे जो आपसे मैंने पूछे थे, सवाल नहीं था ये, आपके दिल की बात थी ये, अखिल भाई सवाल था ये, दिल की बात कह लो कुछ भी कह लो, बट चाल हमने कहा था कि चाल को किसी में ले लीजिए आप, मैं तो ये मान रहा हूँ यार, आपने क्या बोला, क्या श्रेयस अय्यर जा रहे हैं उनको ले आओ तो क्या बुरा इसमें भैया, आपकी जब मैं तो अभी कहता हूँ आप ही जवाब दीजिए भाई, 5 बैट्समैन आपके प्रॉपर हैं और उसके बाद अक्षर है ना छठे, और उसके बाद तेल बिल्कुल तेल नहीं, 6 का रह गए फिर तो 5 ही रह गए, 5 कैसे रह गए, क्यों आपने शायद सुना नहीं मैंने कहा क्या था, मैंने ये कहा था 6-5 कॉम्बिनेशन, आप अक्षर प्योर बैट्समैन नहीं है ना, प्योर नहीं है बट मतलब बैटिंग में रन बैट तो चहल जाएंगे वो भी लेके जाएंगे भी दे देंगे रन यार, शौक भी है बल्लेबाजी का, अच्छा अच्छा हाँ 30 यार्ड का वो पार कर लेता, मुझे याद आता है एक चौका मारा था स्ट्रेट ड्राइव, उसके बाद न्यूजीलैंड में 100 चौका नहीं था, टॉप स्कोरर भी दे पा रही है भारतीय पारी 10 या 12 रन, चलो यार बड़ा मजा आया, लेकिन इंडिया में नहीं आया मजा, लेकिन जो भी हो देखते हैं यार किस किस को मौका मिलेगा, बड़ा दिलचस्प रहेगा अगले दोनों मैच, यूजी को लेके कुछ कमेंट आ रहे हैं कि अय्यर नहीं, कमेंट नहीं आ रहे, आएंगे बाद में आएंगे, कमेंट क्या ही करें, क्या ही करें यार, मतलब उनको भी समझ में नहीं आ रहा यूजी को कहां, मैं कह रहा हूँ आईसीसी को लेटर लिख दो, इम्पैक्ट नियम ले आए सिर्फ इंडिया टीम के लिए, यूजी आ जाएंगे यार, मतलब फिर भी आप मैं फिर से जाते जाते एक बार फिर से पूछता हूँ, आप दोनों को लगता है चहल को मौका मिलेगा 3 मैचों में, नहीं एक तो हो गया 2 रह गए,